मैं पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है, किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है, उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही, अंत तक जा रही है, उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपके सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमिटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट को भी लाया है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है, मैं सभी से अनुरोध करता हूं इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। मित्रों, फिर अंत में मैं आपकी सहयोग चाहता हूं, देश की लाखों विद्यार्थियों की, जो ग्रामीण गरीब मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को, किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है, किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण तथ्य एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक वरीयता रहती है, आवश्यकता रहती है, इस पर सरकार गंभीरता से सारा विषय को लिया है। मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं।